हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि अंजू ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 6 बजे से। हाँ, अभी मॉर्निंग का 6 बज रहा है और आज स्पेशली कुछ है तो इसलिए जल्दी उठना पड़ा। मतलब जल्दी तो उठ जाती हूँ बट इतना जल्दी नहीं उठती मैं कभी, पर उठना पड़ा। और मैं आपको लेके चलते हूँ खेत में, मतलब क्योंकि हमारी आज धान कटाई है तो देखते हैं किस तरह से होती है यहाँ पे धान कटाई। आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे और आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। एंड अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। तो मैं थोड़ी देर पहले खेत पहुँच गई थी और अभी तक हमने ये वाला धान काटा है। तो अब आपको मिलाती हूँ मम्मी जी से। तो हेलो मम्मी। तो ये हो रही हमारी यहाँ पे धान कटाई। अरे हमारी मम्मी जी है। तो इस तरह से काटा जाता है धान। तो ये हमारा धान का खेत है। तो हम तीनों यहाँ पे काट रहे हैं, मम्मी आ रखी है, ससुर जी और मैं, हम तीनों आ रखे हैं यहाँ पे धान काटने के लिए। इतना हमने अभी यहाँ इस शुरुआती खेत में काट लिया है, ऊपर तो हमने काट दिया है और ये रह रखा अभी, फिर इसके बाद घर चले जाएंगे। और अब मैं काटना शुरू करती हूँ। मेरी दरांती है, एक मिनट, ये मेरी दरांती है, इससे काटा जाता है, इस टाइप की धान थी। ऐसे आरे होते इस पर, आरे आरी पे जैसे नहीं होता, ऐसे होता है इस पर, तो इसे काटना पड़ेगा। तो मैं भी शुरू करती हूँ। यहाँ पे धान कट्टा किया जा रहा है, जो अभी काटा है ये वाला, ये काटा है इसको, अब ये कच्चा है, ये कच्चा रहा है, इसको हम काटेंगे एक दो दिन में। और इसको यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है जो अभी काटा है, और इस तरह से इसको लगाया जा रहा है। क्या बोलते थे मम्मी? कौन कौन इसको इकट्ठा किया जा रहा है अभी एक साथ, तो एक दो दिन ऐसे रहेगा, फिर पकेगा, फिर इसकी मंडार्थ होगी और फिर इसको घर ले जाएंगे। तो इसको इकट्ठा किया जा रहा है। अभी हमने 2 खेत काटे हैं। तो मम्मी है, ये वाला धान है जो ये कच्चा रहा, इसको काटेंगे। और ये है मंडुआ, ये किसी ने मंडुआ बो रखा है इधर इस वाले खेत में। और इधर ना आ जा, तो हमारा अनाज हो गया है, थोड़ा कच्चा था और कुछ जो पका है वो हमने काट लिया है। और अब हम घर चल रहे हैं, जैसे कि आपको बताया 6 बजे आई थी हम और अभी 8 बज रहे, 8:30। तो हमारा जल्दी से निपट गया था और इस वाले खेत का धान सारा ये रहा और नीचे वाला खेत का ये रहा यहाँ पे। तो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। ये है घर जाने का रास्ता, जो कि कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसे पैर रख रहे, ए भगवान, ये है रास्ता। और अभी धूप निकल गई है, हाँ?
इसे हम पराल बोलते हैं, और ये सूख के जो नाज होता है धान का, धान का जो पीछे का भाग होता है ये है वो, और ये अब घास का घास बन गया है और इसको गाय को खिलाइए। तो ये है आजकल धान कटाई हो रही है, कुछ इस तरह से हो रखी है आजकल खेतों की हालत। ये घास है और ये नीचे धान काट रखा है किसी ने, मंडार कर रखी है मतलब। तो फ्रेंड्स हम घर पहुंच गए हैं और अब मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो चलते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ घर के चावल, मुझे घर के चावल अच्छे लगते हैं। जब भी मैं ससुराल आती हूँ अपने, तो मैं घर के ही चावल बनाती हूँ। तो मैंने ये छांट लिए है, साफ़ कर लिए, और अब मैं इन्हें चढ़ाती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ मिर्च के लिए, मैं चटनी बनाऊँगी इनके। तो यहाँ पे मेरी चटनी बनाने की तैयारी हो गई है, और ये पुदीना लाया मैंने अभी कहाँ से, कहाँ 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 से। और ये टमाटर, छोटे छोटे टमाटर सही है, ये खट्टे होते हैं चटनी के लिए बिल्कुल अच्छे होते हैं। और ये टमाटर है कच्चा वाला, और ये प्याज वगैरह है। तो अब चटनी बनाती हूँ मैं इनके। तो मेरी चटनी बन गई है, और मैंने इतनी चटनी पीसी है, और दो लोगों के लिए है, घर पे दो ही लोग हैं, मम्मी अपने मायके जाती है। और ये मैंने तड़के के लिए टमाटर प्याज काट लिया मिर्च मुर्च, तो अब मेरा तड़का भी लगने वाला है। तो मेरा लंच रेडी हो चुका है, और ये बनाया मैंने राजमा की दाल है और चटनी, सिंपल सा भोजन बनाया आज। तो आइए और आप भी खाइए।